एक वक्त था जब झारखंड के गढ़वा जिले में कोई भी चुनाव को संपन्न कराना यानी आगाज से अंजाम तक पहुंचाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि नक्सली चुनाव के बाधक बनते थे। वैसा विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, जहां चाह कर भी पुलिस प्रशासन मतदान केंद्र पर या किसी घटना घटने पर पहुंच पाए। लेकिन आज वक्त बदला है। उन नक्सलगत ग्रस्त जिलों में गढ़वा शुमार होता था, आज वक्त पूरी तरह से बदला। अपना गढ़वा जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। ऐसे में यहाँ चुनाव कराना अब सुरक्षित है, अब नक्सलियों से अपना जिला पूरी तरह महफूज है। तभी तो आज प्रभार लेने के बाद पहली बार पलामू रेंज के DIG YS रमेश गढ़वा पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद पुलिस केंद्र स्थित सभागार में उनके द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कैसी तैयारी है पुलिस की, इसे लेकर के बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक में मुख्य रूप से SP दीपक पांडे, CRPF 172 बटालियन कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में DIG ने SP से जाना, कमांडेंट से जाना, सभी से कि आखिर क्या तैयारी है। उन्हें बिंदुवार सभी तैयारी की जानकारी दी गई। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे खासकर उन मतदाताओं को भी, जिन्हें उस वक्त में जब अपना जिला नक्सल प्रभावित हुआ करता था, तब नक्सली उन्हें बरगलाया करते थे, प्रलोभन दिया करते थे कि उन्हें मतदान नहीं करना है, क्योंकि आप अपना मतदान करते हैं तब उसके बाद विकास उन तक नहीं पहुंचते, जबकि वह खुद विकास के बाधक बनते थे। वह नहीं चाहते थे कि विकास उन तक पहुंचे। अगर विकास उन तक पहुंचेगा तो हमारी बातों में नहीं आएंगे, हमारे प्रलोभन में नहीं आएंगे, हमारे बरगलाने के बाद हमारी बात नहीं समझेंगे। ऐसा करके नक्सली उन्हें अपने पाले में करते थे। लेकिन अब बिल्कुल समय बदल चुका है। हर कोई अब मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वानगी है बूढ़ा पहाड़, जिसे नक्सलियों ने अपना शरणगाह बना लिया था, वहीं पर नक्सली काबिज थे। अब बिल्कुल समय बदल चुका है। हर कोई अब मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वानगी है बूढ़ा पहाड़, जिसे नक्सलियों ने अपना शरणगाह बना लिया था, वहीं पर नक्सली काबिज थे। वहीं से नक्सली विकास की नहीं बल्कि विध्वंस की रणनीति तैयार किया करते थे। लेकिन अब उसी बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार मतदान होने जा रहा है। हर कोई आह्लादित है। जहां एक तरफ पुलिसिया और CRPF की व्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर मतदान करने वाले मतदाता भी पूरी तरह से आह्लादित हैं कि वो पहली बार अपने घर में मतदान करेंगे। इस मौके पर बैठक के बाद DIG YS रमेश मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको हम सुनाते हैं। आज हम लोग सभी गढ़वा के SP साहब, CRPF के कमांडेंट साहब और सभी थाना प्रभारी DSP के साथ जो है बैठक किए हैं। मेन मुद्दा है अभी चुनाव को लेकर, चुनाव का क्या क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी अपनाया है और कितने का हम लोगों को जो भी चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, उस सभी बिंदु पर जो है एक विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन SP गढ़वा के द्वारा दिया गया है। उस पर हम लोग बहुत ही डिटेली हर एक बिंदु पर जो है जो रिव्यू किए हैं और अभी हमारे पास समय है, जो भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं उसका अनुपालन करने के लिए भी बताया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो मुख्य रूप से बिहार बॉर्डर है, यहाँ पर जो अवैध शराब या लिकर जाता है तो उसके बारे में जो है हम लोगों के पास जो नाकास लगा हुआ है और जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो SST FST का भी जो टीम्स गठन होगा तो उस पर जो हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कोई भी जो है अवैध रूप से स्मगलिंग हो या अवैध रूप से तस्करी हो या बिल्कुल नहीं होना है, उससे संबंधित जो है हम लोग
दिशा निर्देश सभी थाना प्रभारी को और सभी टीम को जो है दिया गया है।